हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज मैं आपके लाऊं बिग बैश लीग 2022 के दोस्तों, जो है आपका दोस्तों, मैं लाया हूँ गाइस 20th मैच की मैच प्रेडिक्शन। और अभी तक जो है दोस्तों, मैं बता दूं बिग बैश लीग में 17 मुकाबले हो गए जब तक, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। 12 मैच हमारे पास हुए, 5 मैच हमारे गलत हुए, जिसमें से एक मैच जो है अपनी टीम परचेस को 7 पैसे लग के भी हारी है। ठीक है गाइस, तो ये तो था हमारा बिग बैश का लेखा जोखा। तो जो लोग भी हमारे YouTube चैनल में पहली बार देख रहे हैं हमारी वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। और एक बात और दोस्तों, टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाए, नहीं जुड़ जाए तो, क्योंकि फाइनल प्रेडिक्शन और सेशंस वहीं पे आते हैं। क्योंकि आप सभी को लोग बताए कि प्लेइंग 11 और टॉस कितना इंपॉर्टेंट है बिग बैश में, हमेशा से रहा है और आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों, प्लेयर कुछ और दिखाते हैं, खेलता कोई और है, तो फाइनल प्रेडिक्शन चेंज भी हो सकती है। ठीक है गाइस, तो ये जो मुकाबला है पर्स क्वार्टर्स और मेलबर्न स्टार्स का, ये खेला जाएगा 29 दिसंबर को 3:45 में पर्थ में होगा ये मुकाबला, पर्थ के होम ग्राउंड पे, जहाँ पे पर्थ बहुत स्ट्रॉन्ग है। और पिछला मुकाबला यार, जो मेलबर्न के होम ग्राउंड में हुआ था, वहाँ तो धागे ही खोल दिए थे भाई, 220 से ऊपर रन बनाए थे। ऐसे मारा था जैसे कि क्लब क्रिकेटरों को नहीं मारता है कोई इंटरनेशनल खिलाड़ी, उस तरीके कुत्ते की तरह धोया था पर्थ वालों ने मेलबर्न के बॉलरों को। तो पर्थ की टीम पर डालो तो एस्टन एगार, जेसन बेड्रॉम, लॉरी ईविज अभी तक नजर नहीं आया, पीटर हॉस्टोगुलू, एन हॉब्सन, टाइमल मिल्स, जे रिचर्डसन, एस्टन टर्नर, मिशेल मार्च इंजर्ड है, फिल्प सॉल्ट भी इंजर्ड है, एडम लाइथ जैसे प्लेयर है, एडम लाइथ यार फ्री के पैसे ले रहे हैं, परफॉर्मेंस तो हो नहीं रही उनसे, एलन हार्डी, जॉश इंग्लिश जैसे प्लेयर है, जॉश इंग्लिश काफ़ी अच्छे फॉर्म में है। वहीं अगर दोस्तों मैं मेलबर्न स्टार्स की टीम में डालूँ तो ट्रेंट बोल्ट, हिल्टन कार्टराइट, ब्रॉडी काउच, एस एलियट, सी क्लिफ, निक लॉकर, पिछले मैच में मार्कस टॉरेस नहीं खेले थे, जो क्लार्क है दोस्तों, निथिन गुंडडायला, लिया भैचर है। तो अगर मैं पल्ला भारी की बात करूँ तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि पल्ला किस टीम का भारी है। पल्ला तो दोस्तों पर्थ स्क्वॉचर्स का ही पल्ला भारी है। ठीक है गाइस, अब आइए दोनों टीमों के पिछले 5 मुकाबलों पर डालते हैं। तो 5 में से दोस्तों 4 जीत कर आ रही है पर्थ स्क्वॉचर्स और 3 हार कर आ रही है दोस्तों आपका मेलबर्न स्टार्स। इन दोनों टीमों के भी जितना से मुकाबले हुए हैं, 7 बार जीती है पर्थ स्क्वॉचर्स, 3 बार जीती है मेलबर्न स्टार्स, कुत्ते की तरह पीटते आई है। 229 रन पिछले मैच में बनाए थे, उससे पिछला भी जीती थी। तो गाइस, इस टीम के बीच जो पिछले 4 मुकाबले, पिछले 5 में से 4 मुकाबले पर स्कॉचर्स वन साइडेड जीत के आई है मेलबर्न स्टार्स के खिलाफ, तो हमेशा से डोमिनेट करती है गाइस। और अगर मैं ओवरऑल पिछले 10 मुकाबलों में परफॉर्मेंस के ऊपर नजर डालूं तो ओवरऑल विकेट पे पर्स कॉचर्स का 80% विनिंग परसेंटेज है, मेलबर्न स्टार्स का 50% है, 167 रन एवरेज स्कोर है पर्स कॉचर्स का, 159 है मेलबर्न स्टार्स का, 229 रन है हाईएस्ट स्कोर पर्स कॉचर्स का, 273 रन है मेलबर्न स्टार्स का, 127 रन लोएस्ट स्कोर है दोस्तों पर्स कॉचर्स का, 122 रन है मेलबर्न स्टार्स का। भाई ये इस वेन्यू पे बात करते तो इस वेन्यू पे तो दोस्तों पर्स कॉचर्स की बात ही अलग है। 10 मुकाबले खेली है, 90% विनिंग परसेंटेज है, मतलब 9 मुकाबले जीती है 10 में से। और इस यहाँ पर जो है दोस्तों 2 मुकाबले खेली है पर्स मेलबर्न स्टार्स, 1 जीती है, 1 हारी है। एवरेज फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर यहाँ पे पर्स कॉचर्स का 162 है, मेलबर्न स्टार्स का पर्स के ग्राउंड पर 122 है, 185 रन जो है दोस्तों हाईएस्ट स्कोर है पर्स कॉचर्स का, 155 मेलबर्न स्टार्स का हाईएस्ट स्कोर है इस ग्राउंड पे, 136 रन लोएस्ट स्कोर है मेलबर्न पर्स स्कॉचर्स का, 89 रन इस ग्राउंड पे लोएस्ट स्कोर है पर्स स्कॉचर्स का। बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। पेस वर्सेस स्पिन विकेट की बात करूँ तो 85 विकेट पेसर्स ने लिए, स्पिनर्स ने लिए 31 विकेट। ठीक है गाइस, अगर सेशंस की बात करूँ तो 6 ओवर में यहाँ पे बनते हैं पहली पारी में 38 रन, दूसरी पारी में 39 रन, 10 ओवर में यहाँ पे बनते हैं पहली पारी में 65 रन, दूसरी पारी में 67 रन, 15 ओवर में यहाँ पे बनते हैं पहली पारी में 104 रन, दूसरी पारी में 110 रन, 20 ओवर में यहाँ पे बनते हैं पहली पारी में 141 रन, दूसरी पारी में 148 रन। तो जिसको भी सेशंस खेलना है मेरे टेलीग्राम चैनल में आ जाएगा, बस एक बात का ध्यान रखिएगा, बहुत से फेक चैनल बन गए मेरे नाम पे टेलीग्राम पे, अगर आप फेक चैनलों से बच के रहना चाहते हैं तो मेरे द्वारा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया जाता है, उसी से ज्वाइन हो, उसके अलावा कहीं पर भी कोई लिखी हुई मेटेरियल आपका तो ज्वाइन होने की जरूरत है। तो गाइस, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, जो पर्थ जो है ना अपनी, जो मेलबर्न स्टार्स है उसकी तो किस्मत यार टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही ख़राब हो गई, क्योंकि ये लोग हार गए। ठीक है गाइस, ये लोग शुरुआत अच्छी नहीं हुई, गाइस पैक्समैन नहीं थे इस टीम में,
मैक्सवेल के ना होने से तो बहुत फर्क पड़ा है। माफी चाहूंगा, तबीयत अभी भी थोड़ी खराब है, तो कॉर्पोरेट करिएगा ठीक है गाइस। मैक्सवेल बाहर हो गए, स्टॉइनिस को कोविड हो गया, स्टॉइनिस फॉर्म में नहीं थे, और इससे भी काफी असर पड़ता है गाइस। किसी भी टीम के जो तुरुप के होते हैं वही ना हो, पिछले साल इस टीम में निकोलस पुरत थे, आंद्रे रसल थे, निकोलस पुरत तो खेल ही नहीं रहे इस बार बिग बैश, और आंद्रे रसल जो है बेलबल रेलीगेट्स पे चले गए, ट्रेड कर दिया इन्होंने मुझे लगता है। तो गाइस ऐसा हुआ ही, टीम इसीलिए थोड़ी और कमजोर हो गई, और मैक्सवेल की इंजरी, जो फ्री किक इंजरी हुई थी, मैक्सवेल अपने घर में दोस्त के साथ पार्टी बना रहे थे, बर्थडे पार्टी बना रहे थे दोस्त की, और बैकयार्ड में ही गिर गए और पैर टूट गया। तो गाइज ये तो किस्मत की भी बात है। तो गाइज पिच रिपोर्ट पर डालूँ तो पिच रिपोर्ट कुछ इस प्रकार है। मैं आपको डोमेस्टिक के आंकड़े बताता हूँ, 23 मुकाबले खेले गए हैं, 14 जीते हैं पहले बल्लेबाजी करने वाली ने, 9 जीते हैं बाद में बल्लेबाजी करने वाली ने, 165 रन जो एवरेज स्कोर है ठीक है गाइस। फर्स्ट इनिंग्स का है, पर स्क्वाचर्स का हाईएस्ट है 213 रन, और पर स्क्वाचर्स का ही लोएस्ट है 79 फॉर ऑल आउट, 150 से कम 5 बार बनाई है, स्कोरिंग पैटर्न की बात कर रहा हूँ, 150 से 169 के बीच का स्कोर 5 बार, 170 से 189 के बीच का स्कोर 10 बार, 190 से ऊपर स्कोर 3 बार बन चुका है ठीक है। तो ये है आंकड़े भाई। तो अब मैं आपको जो है दोस्तों दोनों टीमों की प्लेइंग 11 बताता हूँ। तो पर्स कॉचेस के लिए एडम ली तो ओपनिंग करेंगे प्लेसेस के साथ, निक ऑप्शन नंबर 3, जॉश इग्निस नंबर 4, एशन टर्नर नंबर 5, एरन हार्डी नंबर 6, एशन निगार नंबर 7, जे रिचर्डसन नंबर 8, एंड्रू टाय नंबर 9, जेसन मैंडोरा नंबर 10, पीटर हॉस्टेगुलू नंबर 11। गाइस पिछले मैच में आपने देखा होगा 63 पे 7 हो गए, तो ये लोग वो तो शुक्र बनाई है एशन टर्नर का जो कभी कभी चलते हैं और उस दिन चल गए, और जे रिचर्डसन का जिन्होंने उनका साथ निभाया था। गाइस मुझे कभी भी कभी लगता है कि एडम लीथ को इनको अब निकाल देना चाहिए, एडम लीथ यार वो फ्री के पैसे लेने वाली बात है, मुद्दा चल ही नहीं रहा ठीक है गाइस। और थोड़ा सा जो है पर्थ वालों को हर गेंद उड़ाने वो नहीं देखना चाहिए, ये लोग हर गेंद उड़ाने पे ही आ रहे हैं, तो मुश्किल से जीते थे एडिलेड से, अगर बड़ा स्कोर होता तो हार जाते। वही अगर मैं मेलबर्न स्टार्स की टीम पे ना, तो जो क्लार्क ओपनिंग करेंगे थॉमस रॉजर्स के साथ, व्यू वेबस्टर नंबर 3, लेकिन आकर नंबर 4, हिंडन कार्टराइट नंबर 5, जेम्स एमर नंबर 7, ल्यूक वुड नंबर 8, लियम हेचर नंबर 9 दोस्तों, ट्रेंट बोल्ड नंबर 10, एडम जंपा नंबर 11 ठीक है गाइस। और इनको भी मुझे लगता है यार, लेकिन आकर को ओपनिंग करा लो, टॉम रॉजर्स ये जो रॉजर्स है थॉमस रॉजर्स उसकी जगह निकल आकर ज़्यादा बेटर करेगा, क्योंकि ये लोग थोड़ा, और मार्कस स्टॉइनिस अगर फिट है तो उसको लाइए, अगर वो ओपनिंग कर सके तो और बेहतर है। तो मेलबर्न स्टार्स का भी थिंक टैंक अपने ही लेवल पे चल रहा है, पता नहीं क्या ये लोग सोच के बैठे हैं ठीक है गाइस। तो अब आपको मैं बताता हूँ करना क्या आपको, जो दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाना है, क्योंकि कई बार क्या होता है टॉस के बाद अगर कोई मैच विनर चेंज होता है तो उसकी अपडेट अपडेट टेलीग्राम में देता हूँ। दोस्तों बहुत से छोटे छोटे मैच है जिनकी वीडियो नहीं बना पाता, पर उनकी मैच पढ़ी आपको मेरे टेलीग्राम पर मिलती है, जैसे कि सुपर स्मैच ठीक है गाइस, सुपर स्मैच की वीडियो नहीं बना पाता पर उनकी मैच पूरी खराब में टेलीग्राम में मिलती है, तो ज्वाइन हो जाएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्तों, सेशन भी आपको फ्री में टेलीग्राम में दी जाता है, और एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत से फेक चैनल बन गए हैं मेरे नाम पे टेलीग्राम पे, तो अगर आप फेक चैनलों से बच के रहना चाहते हैं तो मेरे द्वारा जो है दोस्तों मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल करके दी जाता है, उसी से ज्वाइन हो, उसके अलावा आपको कहीं पर भी कोई लिंक मिले मेरे टेलीग्राम का तो ज्वाइन होने की जरूरत होगी। तो गाइस मेरे हिसाब से जो टीम मैच जीतेगी उसे बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे YouTube चैनल को पहली बार देख रहे हैं और मेरी वीडियो अभी चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि गाइस हर मैचेस की वीडियो डालता हूँ, और अभी बहुत से लीग आने वाली है, बहुत सभी मैचेस मैं कवर करूँगा, तो एक बार ध्यान रखिएगा कि सब्सक्राइब करेंगे तभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा, नहीं तो गाइस वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको नहीं मिल पाएगा। और मैं लाइव भी आता हूँ दोस्तों हर मैच से पहले डाउट्स क्लियर करने, अपने सब्सक्राइबर से बात करने, तो अगर कोई भी डाउट हो तो आप उससे पूछ सकते हैं गाइस ठीक है, और कुछ भी डाउट हो तो मुझसे पूछिएगा, वो क्लियर करूंगा लाइव में। तो ये सब तभी मुमकिन हो पाएगा जब आप सब्सक्राइब करके पहला आइकन दबाएंगे, ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए ठीक है गाइस। तो मेरे हिसाब से जो टीम मैच जीतेगी वो होगी आपका दोस्तों पर्स कॉचर्स, या दोस्तों पर्स कॉचर्स मुकाबला जीतेगी, क्योंकि जमीन और आसमान का फर्क है दोनों टीमों में, और पर्स कॉचर्स अपने होम ग्राउंड में खेल रही है, और अपने होम ग्राउंड में तो वैसे भी वो खूनखार हो जाती है ठीक है गाइस। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। Okay guys, till the next video, enjoy life.